जी सर। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज जागिर, टीम केमिस्ट्री सीएलसीसी का। आज हम स्टार्ट करें बेटा गुरु नीति सीएलसी की यूनिक श्रृंखला, जिसमें आज लेके आए अपन 27/34 आने के किलोमीटर सेकंड के क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो चलते हैं बेटा, आज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। मेरे साथ हैं ओपी सर, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन देखें। What will be the pH and percentage alpha in degree of hydrolysis respectively for the salt Ba2 0.1 m concentration given Ka? अब देखो जो Ba है वो salt है, वो किससे मिलके बना है? देखो आपको दो dissociations constant दे रखे हैं, HA का Ka दे रखा है और BOH का Kb दे रखा है। It means ये क्या है? Weak acid और weak base से बना salt है, ठीक है बच्चों। और ये concentration पे depend नहीं करता, इसका यहाँ पे कोई meaning नहीं है। तो इसके लिए आपसे पूछा पीएच, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके पीकेबी, ठीक है। ठीक है सर, तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1/2 पीके। के की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 की पावर माइनस का 6, तो पीके कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1/2। Kb की वैल्यू भी क्या दे रखी है? 10 की पावर माइनस 6, तो Pkb की क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली pH इक्वल टू 7 आ जाएगा। pH क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड पूछा आपने को डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? रूट के एच होता है, जिसको अपन स्मॉल एच से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को स्मॉल एच से भी लिख दिया। और रूट के एच इक्वल टू क्या होता है? वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट के लिए Kw अपॉन के इनटू Kb। वैल्यू पुट करते हैं जी सर, तो Kw की वैल्यू आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर माइनस का 14, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 इनटू 10 की पावर माइनस का 6। स्पेस नहीं है तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं, क्योंकि पीएच अपन ने निकाल ली कितनी? 7। तो ये हो जाएगी रूट 10 की पावर माइनस का 2 रह जाएगा, तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 1, यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले इसको अपन। अब अपने को परसेंटेज में पूछा है, तो 100 से अपन मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा? 10% आपका आंसर होना चाहिए, तो पीएच तो होगी 7 और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आंसर बिकम्स सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ 0.1 एम अमोनियम एसीटेट CH3COOH4 व्हेन के ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है इक्वल टू दी, यानी कि दोनों का इक्वल दे रखा है, के भी दे रखा है NH4OH के लिए 1.8 × 10⁻⁵ गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि स्मॉल H का वैल्यू पूछा है, और यहाँ पर वो एक पिछले क्वेश्चन की जैसा क्वेश्चन ही है। हम कहेंगे कि स्मॉल H जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मैग्नीट्यूड होगा, फॉर्मूले की बात करें तो अंडर रूट ऑफ Kw अपॉन K इंटू Kb के इक्वल होगा। अगर वैल्यू पुट कर दी जाए बेटा तो Kw होगा 10⁻¹⁴ अपॉन के ए का मैग्नीट्यूड और के बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है 1.8 × 10⁻⁵ इंटू 1.8 × 10⁻⁵। यहाँ से देखा जाए तो ये 10⁻⁵ और 10⁻⁵ कितना हो गया? 10⁻⁹ हो जाएगा जी सर। और इधर अंडर रूट में कितना रह गया है? 10⁻⁴ अपॉन ये अप्रोक्सीमेटली 4 है, 2 × 2 मान लें इसको, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 4 करें और ये 10⁻⁹ हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो अंडर रूट में 10⁻⁴ बचेगा, और इसको अगर अंडर रूट से बाहर निकाल लें बेटा तो 1/2 रह जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल h जो है 1/2, और यहाँ से कितना रह गया? 10⁻², बाहर आएगा जी सर। तो 10⁻², ये बाहर आ गया, बट ये कितना हो गया? 0.5 × 10⁻², परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से स्मॉल h का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.55 के इक्वल आ रहा होगा जी सर। आंसर होना चाहिए 0.55 इनकरेक्ट पूछा आपसे, कौन सा सही नहीं है ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो देखते बेटा ऑप्शन नंबर 1 देखें आप, एच प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो OH माइनस की कंसंट्रेशन के इक्वल है, जो कि अंडर रूट ऑफ Kw के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा देखें कि जो Kw का फॉर्मूला है ये आपको ऑब्टेन होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है जी सर। अब यहां से जब सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है, आपसे कहा हुआ है उदासीन मिलन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो आप कहेंगे, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है बिल्कुल, तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रल सॉल्यूशन में
OH- की कंसंट्रेशन के इक्वल ही ऑप्टेन होगी। ऐसे केस में मैं OH- को रिप्लेस कर सकता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। मैंने OH- की प्लेस पर क्या लिख दिया, यहां पर H+ लिख दिया है, तो यहां से ये Kw का जो मैग्नीट्यूड है ये H+ का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहां से H+ की कंसंट्रेशन फाइंड की जाए तो √ Kw के इक्वल आएगी। और ऐसा ही सिमिलर केस आप OH- के लिए कर सकते हो, यानी कि H+ को जब डिस्प्लेस किया है तो आप उसको OH- को भी तो डिस्प्लेस कर सकते हो, बिल्कुल, यानी कि आप OH- का स्क्वायर इक्वल टू √ Kw लिख सकते हो जी सर, यानी कि √ Kw किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन OH- के इक्वल होगा। और ऐसा कब देखने मिलेगा, जब विलयन कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज हायर, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज हायर, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है √ Kw से, ठीक है, और सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक है, बिल्कुल सही कह रहा है। H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और OH- की कंसंट्रेशन कम होगी, ऐसा कम मिलेगा जब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। सपोज करो टेम्परेचर का जो मैग्नीट्यूड है वो 27 डिग्री सेल्सियस है या रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर बात करें तो H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है बेटा 10^-7, ठीक है, कब, जब विलयन कैसा, उदासीन, न्यूट्रल है। बट जैसे ही सॉल्यूशन कैसा होगा, अभी अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था H+ आयन का जो मैग्नीट्यूड है वो √ Kw के इक्वल है। अब जब मैं टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हो जाएगा √ 10^-14 जी सर। तो अगर 10^-14 से √ करोगे तो 10^-7 बचेगा, ये 10^-7 आएगा। अब H+ आयन 10^-7 कब है, जब सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। बट एसिडिक अगर हो गया तो ये √ Kw है, ये √ Kw से ज्यादा कौन हो जाना चाहिए, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जानी चाहिए। तो ऐसे केस में H+ आयन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन कैसा मिल जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया, करेक्ट हो गया। और अगर थर्ड ऑप्शन पर नजर डालें तो क्या सेकंड ऑप्शन के जस्ट अपोजिट दिख रहा है आपको, ये सॉल्यूशन कैसा है, एल्केलाइन है, यानी कि क्षारीय विलयन है, बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो √ Kw, बेसिक सॉल्यूशन अगर होगा तो √ Kw से H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, घट गई है, H+ आयन कम हो गया है और OH- की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप कहेंगे सॉल्यूशन कैसी नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, एल्केलाइन नेचर का होगा, इसलिए थर्ड भी कैसा होगा, करेक्ट। फोर्थ देखे बेटा, H+ आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है OH- के, 10^-7 है, बट सॉल्यूशन कैसा, न्यूट्रल है। यहां तक बिल्कुल सही है सब कुछ, यहां तक सब कुछ सही है जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था। बट जैसे ही आपको देखा यहां पर, यहां लिखा हुआ है ऑल टेम्परेचर्स, अगर ये ऑल टेम्परेचर लिखा हुआ है इसका मतलब बिल्कुल गलत बात है, ये सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये केवल 25 नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए बात करेगा जी सर। अगर टेम्परेचर आप 0 से और मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस तक ले दो तो आपको जो Kw का मैग्नीट्यूड है वो लगभग कितना मिलेगा, 10^-पावर, टेम्परेचर घटाते हैं तो Kw का मैग्नीट्यूड घट जाता है, तो टेम्परेचर और Kw एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो Kw की जो वैल्यू 10^-16 हो जाएगी जी। तो लगभग इसको हम ले सकते हैं 0 से 20 मान लेते हैं, लगभग 20 के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो 20 से अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहे हैं या 60 तक बढ़ रहे हैं तो Kw भी, टेम्परेचर बढ़ाने पर Kw भी बढ़ेगा, तो नेगेटिव पावर घटेगी, इसलिए 10^-14 लेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw भी बढ़ेगा जी सर। क्योंकि वैन डॉप इक्वेशन से आप जानते हैं Kw टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी सर। यहां टेम्परेचर कम था तो Kw भी कम था क्योंकि नेगेटिव पावर ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया Kw बढ़ गया। और अगर जैसे ही टेम्परेचर को आप 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाते ही यहां पर जो Kw की वैल्यू है वो 10^-12 हो जाएगी, यानी कि Kw बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw का वैल्यू डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो Kw भी चेंज होगा, और Kw चेंज होगा तो H+ और OH- कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। सर आपके कहने का मतलब है कि जो Kw है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, Kw टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो Kw भी क्या करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा। हाँ, बट एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जी सर, यहाँ बता दो, नहीं फर्स्ट ऑप्शन निकालो, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर्स, जबकि यहाँ पर भी वही आपको दे रखा है, बट यहाँ डिफरेंस क्या था,
इसलिए बाकी फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस किसका है, मैग्नीट्यूड का है। यहाँ टेंथ का माइनस सेवन ले रहा है या अंडर रूट केडब्ल्यू ले रहा है, क्योंकि केडब्ल्यू वेरी कर रहा है, तो केडब्ल्यू वेरी करेगा तो आपको अंडर रूट केडब्ल्यू की वैल्यू भी डिफरेंट ऑब्टेन होगी, इसलिए फोर्थ इनकरेक्ट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इज द सेट ऑफ एमपो एमपी प्रोटिक स्पीशीज पूछ रहा है, स्पीशीज वो वेदर में प्रजाति में बात कर रहा है, ऐसी स्पीशीज जिन जो एच प्लस एन गेन भी कर सकती है और एच प्लस एन रिलीज भी कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले है हाइड्रोनियम आयन, बिल्कुल एच प्लस एन ये तो सकता है, कर सकता है एच प्लस एन रिलीज तो कर सकता है एच टू प्लस एच प्लस एन, लेकिन ये गेन नहीं कर सकता, बिल्कुल इट मींस ये एमपो प्रोटिक स्पीशीज नहीं है। क्रॉस पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। सेकंड देखो आप, H2 है वो H plus N गेन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जब रिलीज करेगा OH- तो बना लेगा, OH- minus N बना लेगा। अब इसके अंदर देखो ये है वो H+ रिलीज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर देखिए सर क्या है। जी सर, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो P डबल बॉन्ड O, दो O नेगेटिव होंगे जिनको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर लें। जी सर, और बचेगा कौन, सिंगल बॉन्ड से H ऐड हो जाएगा। जी, और ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। जी सर, अपचायक हाइड्रोजन है और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कभी भी H+ की फॉर्म में ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। आपको H+ की फॉर्म में कौन मिलता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जो डायरेक्ट किससे ऐड होना चाहिए, ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, इसलिए ये किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, इसलिए H+ की फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। ऐसी सिचुएशन किसके अंदर है, यही सिचुएशन आपको H2PO2- में भी देखने को ये भी मिलेगी, प्रोटिक स्पीशीज नहीं है। बिल्कुल देखो आप, ये देखो H+ N गेन भी करेगा तो H+ N गेन करेगा तो H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब रिलीज करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, HPO4- -2 में होगा, तो ये एमपी प्रोटिक स्पीशीज होगी, बिल्कुल होगी। इसको देखो आप, इसमें जब एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो HPO3- -2 बना लेगा, -2, और गेन करेगा तो H3PO3 बना लेगा। ठीक है, और ये अगर रिलीज करेगा तो OH- और गेन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन, बिल्कुल इट मींस एमपी प्रोटिक स्पीशीज है। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एमपी प्रोटिक स्पीशीज H+ N गेन और H+ N रिलीज दोनों करती हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। जी सर, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर kW एट 60 डिग्री सेल्सियस इज 9.6 × 10⁻¹⁴ m स्क्वायर यानी मोल पर लीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है ऑफ ए न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन, न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड एन एक्वस सॉल्यूशन विद ए pH इक्वल टू 7। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसकी pH आपको गिवन है 7 एट 60 डिग्री सेल्सियस r रेस्पेक्टिवली, यानी उसकी नेचर आपसे पूछ रहा है। तो अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो मैं तो इतना सा कहूंगा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में H+ का जो कंसंट्रेशन है वो OH- की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, और जब आप kW का फॉर्मूला लिखते हो भैया तो kW इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH- इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो H+ इनटू OH-, और यहां से देख सकते हैं H+ इक्वल टू OH- है, तो रिप्लेस कर दो इसको, तो H+ से जब रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा kW इक्वल टू द H+ इनटू H+, यानी कि H+ का स्क्वायर हो जाएगा। जी सर, फाइनली यहां से कहोगे kW का जो मैग्नीट्यूड है वो H+ स्क्वायर के इक्वल है, यहां से अगर H+ की कंसंट्रेशन फाइंड की जाए तो ये अंडर रूट ऑफ kW के इक्वल ऑब्टेन होगी। जी सर, और यहां kW आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दें, 9.6 × 10⁻¹⁴ इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 3.1 × 10⁻¹⁷ आ जाएगा। जी सर, ये आपके पास H+ N की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखना ही है कि अगर यहां से pH निकालें, अगर यहां से pH निकालें तो 7 − log 3 करना पड़ेगा, 7 से कम आएगी, बिल्कुल, तो pH का वैल्यू 7 − log 3.1 जो कि 6.53 के अराउंड आएगा, 6.5 के आसपास आएगा, क्योंकि 0.47 होता है log 3 का वैल्यू, तो pH की वैल्यू जो 6.5 के नियर अबाउट है, तो आप कहेंगे कि जो pH की वैल्यू है वो 7 से तो कम है, जो क्वेश्चन में पूछा है उस 7 से कम है, इसका मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, सॉरी बेसिक होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए, क्यों, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, हाँ ये यहाँ पर न्यूट्रल है, पर आपसे किसका पूछा है, 7 वाले का पूछ रहा है, जी जी जी, तो 7 वाले का पूछ रहा है, इसका मतलब 6.5 से तो ज्यादा है वो 7 वाला, मतलब कहने का मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, यहाँ पे अपने को पूछिए नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल, तो इससे ज्यादा है, इससे ये क्या है, बेसिक है, बिल्कुल, उससे आपसे उस सॉल्यूशन की पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पीएच 7 वाले की, जी सर, इसलिए ये कैसा होगा, मोर पीएच होगा कंपैरेटिवली किसके, 6.5 के, इसलिए बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज आंसर। आगे चलें सर, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
What is the pH of a solution of 0.28 m acid and 0.84 m of its conjugate base if the ionization constant of acid is 4×10⁻⁴? मुझे सर buffer solution का क्वेश्चन बिल्कुल ये buffer solution है सर. सर बताइए बच्चों को कैसे पता लगा होगा. देखो हमने एक बात यहाँ से notice की, एक तो दे रखा है weak acid की concentration. आपको दे रखी है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 0.28, साथ में इसने बोल दिया कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस तो बेस होगा जी. तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा जी सर. वीक एसिड का कॉन्जुगेट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसको सॉल्ट मान सकते हैं आप जी सर. कॉन्जुगेट बेस जो है वो सॉल्ट से ऑब्टेन होगा जी सर. ठीक है, तो अगर ये सॉल्ट हो गया इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.84. तो वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट या कॉन्जुगेटेड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जी सॉल्ट, तो ऐसे किसमें एसिडिक बफर बनेगा सर जी सर. ये क्या हो गया? एसिडिक बफर बफर. और अगर ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या फॉर्मूला होगा? पीएच इक्वल टू द पीकेए प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. एसिड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. वैल्यू पुट कर दें, पीएच फाइंड करना है जी सर. तो पीएच इक्वल टू पीकेए कितना है सर? K की वैल्यू देर के 4×10 की पावर 1. बिल्कुल, तो यहां से 4 माइनस log 4 हो जाएगा जी सर, यानी कि 3.4 आ जाएगा ये जी सर. ठीक है, देन प्लस log बेस 10 सॉल्ट कितना है 0.84 जी, और एसिड कितना है 0.28. यहां से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया तो log 3 बचेगा. log 3 तो एप्रोक्सीमेटली 0.5 होता है, या एग्जैक्ट वैल्यू लिख दो तो प्लस 0.47 या 48 लिख लो. तो ये 3.88 के आसपास आ रहा होगा. बिल्कुल सर, इट मींस आंसर बिकम्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. आगे चले जी सर, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं सर. इफ ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस कह रहा है. ठीक है, हाइड्रोलाइजेस एप्रिसिबली, अल्फा की वैल्यू दे रखी है लेस देन 1 है, बहुत कम है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि स्मॉल h पूछ रहा है अल्फा जिसके फॉर्म में लिखा हुआ है इसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो सपोज करो HCl है, और वीक बेस ले रहे हो सपोज करो NH4OH जी सर. अब यहां से जब आप सॉल्ट का फॉर्मेशन करोगे तो NH4Cl बनेगा, और जब इसका हाइड्रोलाइज करेंगे आप तो ये NH4OH प्लस HCl का फॉर्मेशन कर लेगा जी सर. ठीक है, फाइनली सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली C है, ये वाटर है एक्सेस में है, इसका इनिशियली 0 होगा, ये 0 होगा, ये C-CH हो जाएगा, ये CH बनेगा और ये CH बनेगा. फाइनली Cl- को आप इस Cl- को कैंसिल कर देंगे Cl- से, तो आपको ऑब्जेक्ट जो इक्वेशन मिलेगा वो ऑब्जेक्ट इक्वेशन मिलेगी H+ आयन प्लस H2O इन एक्सेस गिव्स, इसको रिवर्सिबल लिख सकते हैं जी सर. ठीक है, तो आपको यहां से जो H प्लस आयन जो मिलेगा वो तो किसके इक्वल मिल जाएगा? CH के इक्वल मिल जाएगा, और ये जो है वो C इंटू 1 माइनस H के इक्वल होगा, यानी कि C माइनस CH था ही. अब फाइनली आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछ रहा है क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अच्छा, एच की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, तो एच की वैल्यू तो डायरेक्ट अपन कह सकते हैं स्मॉल एच इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी होता है जी. और के एच का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वीक बेस डिसोसिएट नहीं हुआ तो के एच का रिलेशन मिलेगा के डब्ल्यू अपॉन के बी. बिल्कुल बिल्कुल, तो के एच इक्वल टू द के डब्ल्यू अपॉन के बी पुट कर दें यहां, तो स्मॉल एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इनटू सी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्मॉल एच. आंसर प्लीज, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. बिल्कुल, यहां सी को क्या मान रखा है? स्मॉल ही मान रखा है जी जी. ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा अंडर रूट ऑफ केडब्ल्यू अपॉन केबी टू सी. आगे चलेंगे 27. हां, अभी पिछला क्वेश्चन जो डिस्कस किया है वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड है ये, तो देखते हैं क्या पूछा हुआ है. द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, OH- की कंसंट्रेशन पूछा है सर इस बार. हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3. तो NH4NO3 का अगर कंपोजिशन चेक करें बेटा तो क्या हो जाएगा, ये NH4OH और HNO3 से मिलकर बना हुआ है. NH4OH plus HNO3 ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड. ये कैसा है? वीक बेस. अभी हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि डिसोसिएट कौन नहीं होगा? NH4OH जो कि वीक बेस है, और जब ये रिवर्सिबली डिकम्पोज होगा
ठीक है, जब ये डेकम्पोज होगा रिवर्सिबली तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस। अब यहां से इसका कंसेंट्रेशन इनिशियली C है, ये जीरो होगा, इसको डिसोसिएट कर दो, क्या बना लेगा C माइनस CH, ये वीक बेस है सर, तो C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, इस तरह डिकम्पोज होगा। बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें KB लिखना डायरेक्ट, तो KB जब बनेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस क्या बन जाएगा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन में कौन आ जाएगा NH4 OH, यहां से मुझे OH माइनस निकालना है, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछा हुआ है, तो OH माइनस हो जाएगा KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 OH अपॉन में कौन आ जाएगा अमोनियम कैटायन, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन से, जो पिछली इक्वेशन लिखी थी ना अपने सॉल्ट की, उस इक्वेशन से जब वैल्यू लिखेंगे तो KB इंटू ये कितना मिलेगा CH और ये हो जाएगा C इंटू वन माइनस H, कॉन्स्टेंट लिया C से C कैंसिल करेंगे और वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम H, तो फाइनली आपको OH माइनस की कंसेंट्रेशन ऑब्टेन होगी KB इंटू स्मॉल H, KB इंटू स्मॉल H, और स्मॉल H का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी लिख के आए, तो KB इंटू स्मॉल H कितना था अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C, अब KB को अंदर ले जाएंगे तो KB स्क्वायर, जी सर KB से KB, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, KW इंटू KB स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा KB इंटू C, फाइनली KB से KB खत्म होगा, रिमेनिंग क्या होगा अंडर रूट ऑफ KW इंटू KB बाय C, आंसर आंसर सेकंड इज करेक्ट, KW इंटू KB अपॉन C का रूट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। हाँ तो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ 0.01 m NaA यानी सोडियम का सॉल्ट है H2A से बना हुआ है, इस कैलकुलेटेड बाय K1 दे रखा है, K2 दे रखा है और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2O दोनों के लिए दे रखे हैं, तो ये जो H2O है, ये जो H2A दिख रहा है, जो H2O के लिए एक वीक एसिड है, ये H2A डिकम्पोज होगा, फर्स्ट टाइम H+ रिलीज करेगा और HA- में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड टाइम ये HA- डिकम्पोज होगा और H+ रिलीज करेगा और A-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो HA- है यही वो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है या एम्फोटेरिक स्पीसीज है, उभयचरी प्रजाति है जो कि सोडियम के साथ सोल्ट का फॉर्मेशन कर रही है, जिसकी पीएच आपसे पूछा हुआ है NaHA, ये HA पे क्या -1 और Na पे क्या है +1, इस तरह से यहां से ये एम्फोटेरिक सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जब भी आपको किसी एम्फोटेरिक सोल्ट की पीएच निकालनी है तो ये एम्फोटेरिक HA- स्पीसीज जब H+ एक्सेप्ट कर लेगी तब तो बना देगी H2A, और ये स्पीसीज जब H+ रिलीज करेगी -H+ या +H+ तो A-2 का फॉर्मेशन कर लेगी, इस तरह का एम्फोटेरिक केस दिखेगा। अब आपको इसके लिए फर्स्ट स्टेप के लिए यानी कि एक तो K1 पता है और एक K2 पता है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप जब भी कंसेंट्रेशन ऑफ H+N का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखते हैं अंडर रूट ऑफ K(C), वीक एसिड के लिए H+N कंसेंट्रेशन फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ K(C), अब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है तो K1 × C हो जाएगा फर्स्ट H+ के लिए, और सेकंड टाइम H+ के लिए क्या हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ K2 अंडर रूट ऑफ K2 × C, तो C कांस्टेंट है, C को क्या मान लिया जाए 1 मोल पर लीटर मान लिया जाए वीक एसिड के लिए, ठीक है, तो यहां से नेट H+ जब देखेंगे तो इस H+ आयन फर्स्ट और H+ आयन सेकंड को ऐड कर दूं मैं, जी सर, तो H+ आयन नेट लिख दूंगा इसको मैं, टोटल H+ आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दी, देखो इसको लिख देंगे अंडर रूट ऑफ K1, ये कांस्टेंट ले लिया मैंने, सी हटा दिया वन लेके, प्लस यहां क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ K2, फाइनली क्या दोनों में अंडर रूट तो कॉमन ही है, जी सर, तो क्या करेंगे आप दोनों साइड लॉग लेके पी, एक सेकंड, आपको क्या करना पड़ेगा नेट K के लिए आपको नेट K निकालना पड़ेगा, नेट K निकालना पड़ेगा, तो नेट K के लिए H+ आयन जो नेट होगा वो अंडर रूट ऑफ K1 × K2 के बराबर होगा, क्योंकि नेट K किसी भी एसिड का कैसे निकालते हैं दोनों के K को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से जब नेट K देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल टू दी, इसको लिख सकते हैं K1 × K2 की पावर 1/2, जी सर अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं K1 इंटू के टू की पावर 1/2, इस तरह लिख सकते हैं, अब दोनों तरफ लॉक कर दें, जी सर, तो लॉक करेंगे तो माइनस लॉक करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू ये पावर आ जाएगा -1/2, इसको क्या लिख देंगे लॉग ऑफ K1 और इसको प्लस लॉग ऑफ
Ke2 ठीक है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये तो पीएच बन गया इधर, और इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये तो 1/2 रख लो बाहर, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस लॉग के को पीके वन कह देंगे, इसको क्या बोलते हैं पीके वन, और ये क्या हो जाएगा पीके टू। जी सर, तो आपको आंसर मिलेगा पीएच इक्वल टू दी पीके वन प्लस पीके टू बाई टू, इस तरह का आंसर होना चाहिए। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या है। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर के लिए देखो, एसिडिक बफर क्योंकि सब में क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि पहला है वो आपका बफर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो बेटा, आपको कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी। देखो बेटा, आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, आप दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट देख लो, आप दोनों के मोल्स चेक कर लो, अगर वीक एसिड के मोल्स बच जाए, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस जो दे रखा है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए इक्वेशन में, इसका मतलब 100% वो बफर सॉल्यूशन बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट बन रहा है तो 100% बफर बनेगा। ठीक है बेटा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लिमिटिंग रिएजेंट बनता है, तो ऐसे केस में वो 100% बेसिक बफर बनता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट का विशेष ध्यान रखें, तो यही आपको यहां पर भी चेक करना पड़ेगा। आप सबसे पहले इक्वेशन लिखो और इक्वेशन से चेक करो क्या उस गिवन इक्वेशन में स्ट्रॉन्ग बेस जो दे रखा है, जो प्रबल क्षार दे रखा है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। अगर वो है तो इसका मतलब बफर होगा। ठीक है सर। जी सर, देखो पहला ऑप्शन है 500 ml of 0.1 L, तो इसकी मिली क्विंट आप निकालोगे तो कितना आएगा 50, और इसका भी कितना आएगा 50। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या है, आपका वीक एसिड पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, दोनों कंज्यूम हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। सेकंड देखो, ये इसके मिली क्विंट कितने 50 है, और इसकी मिली क्विंट भी क्या है, ये तो वैसे ही नहीं होता है, वैसे ही क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। थर्ड में इसकी मिली क्विंट कितने 50, और इसकी मिली क्विंट क्या है 100 आएगी, 100 आ जाएगी, ये भी आपका लिमिटिंग रेंज खत्म हो जाएगा, हां एसिडिटी खत्म हो जाएगा, तो बफर पॉसिबल ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन में देखो, ये तो कितना आपको दे रखा है 100, और ये कितना है 50 है, इट मींस आफ्टर द रिएक्शन ये कितना बचेगा 50 ml, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग रेंज कौन हो गया, लिमिटिंग रेंज कौन आ जाएगा NaOH, लिमिटिंग रेंज होगा जो कि फिनिश हो जाएगा, जबकि जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा 50 हो जाएगा, एसिडेट उसका भी कितना बना 50 आ जाएगा, यानी आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें क्या वीक एसिड है और वीक एसिड का स्ट्रांग बेस होगा, सॉल्ट से बफर सॉल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। जी सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस व्हेन एडेड टू 1 लीटर ऑफ ए 0.1 ml एसिडिक सॉल्यूशन CH3COOH एसिटिक एसिड सॉल्यूशन विल कॉज नो चेंज, क्या कह रहा है, no change in either the degree of dissociation, alpha में कोई change नहीं होगा of acetic acid, or the pH of the solution, K given है आपको acetic acid का 1.8 × 10⁻⁵ for acetic acid, ठीक है? जी सर। तो initially देखते 3 millimolar formic acid, तो formic acid तो no doubt strong acid है comfortably, किससे एसिडिक एसिड से। जी सर, क्योंकि यहां पर तो प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल होगा मिथाइल ग्रुप का, इसलिए ये तो पीएच को वेरी कर देगा सर, ठीक है, और कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा मिला रहा है, 3 millimolar है तो कंपेटिबली ज्यादा है, ठीक है। यहां देखें तो 0.1 ml सोडियम एसिटेट ये मिलेगा, तो थोड़ा बहुत ये पीएच को चेंज कर सकता है सर, क्यों, क्योंकि जब ये मिलेगा तो बफर सोल्यूशन बन जाएगा सर। जी सर, और बफर बनेगा तो पीएच की वैल्यू जो है पीके के इक्वल आएगी, इसलिए चेंज हो सकता है सर। यहां देखें तो 1.34 millimolar HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया सर इस बार। जी सर, और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो पीएच को वेरी कर देगा, कर देगा, ठीक है सही, नहीं नहीं ये पीएच को वेरी नहीं कर पाएगा, ये कर रहा था पीएच को वेरी, जी जी ये कर रहा था क्योंकि पीएच पीके के इक्वल हो गई थी ना, बट ये वेरी नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है कंप्लीट एच प्लस में टूटेगा, बट अमाउंट कितनी है मिलीमोलर, अच्छा मिलीमोलर, मिली मतलब 10⁻³ है, बहुत कम अमाउंट है, वेरी लेस अमाउंट मिला रहा है, और वेरी लेस अमाउंट से इसकी पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आयनाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए थर्ड आंसर होगा। फिर देखते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ये भी चेंज नहीं कर पाएगा, समझ रहे, ये भी आंसर में आपको काउंट करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, और जो एसिड आपको दिया हुआ है एसिडिक एसिड उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है 0.1 ml, मतलब सिमिलर कंसंट्रेशन है, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है सर, जी सर, कितना लिया हुआ है आपको भी, जो वॉल्यूम दिया हुआ कितना है 1 liter, वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, दोनों की मोलरिटी इक्वल है, इसका मतलब यहां पर आपको कंसंट्रेशन इक्वल है, तो देखो आप इसको फॉर्मूले से देख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू √K·C, बोलो K तो कांस्टेंट है एसिडिक एसिड का, ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कंसंट्रेशन भी 0.1 और यहां पर भी
कितनी देर की 0.1, ये भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, इसलिए H plus B क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए आंसर्स आर 3 एंड 4, जी सर, आंसर विल बी 3 एंड 4, इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कैन एक्ट एज ए बफर, कौन सा बफर की तरह कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने अभी भी कहा था आपसे कौन ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, इसका मतलब NaOH LR बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस अगर LR बन गया तो बफर का रोल प्ले करेगा, सॉल्यूशन एसिडिक बफर होगा, बिल्कुल एसिडिक बफर है। सेकंड देखते हैं, सोडियम एसिटेट एंड HCl, यहां पर भी यही चेक करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बन गया, लिमिटिंग रिएक्शन बन गया, तो ये भी बफर लाइक बिहेव कर सकता है। कैसे, अगर इसका रिएक्शन देखा जाए तो CH3COOHNA जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये CH3COOH बना लेगा जो कि क्या है, वीक एसिड है, जी सर, ठीक है, और साथ में क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखने वाली बात ये है, ज्यादा कौन है, सोडियम एसिटेट, मतलब ये ज्यादा है, इसके 5 मान लो आप, बिल्कुल इसके कुछ भी ले लो, 2 ले लिया इसका मैंने, इसका 1 ले लो तो ये 2-x जाएगा और ये 1-x जाएगा, तो यही तो LR हुआ, जी सर, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड 1-1 खत्म हो जाएगा, जी सर, और बचेगा कौन, 2-1, ये आपके पास सॉल्ट बच गया, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, और इधर कौन बन गया, वीक एसिड, जी सर, इसलिए एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए 1 और 2 दोनों बफर है। थर्ड देखें, ये भी बफर है बेटा, कैसे, ये वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है, और वीक एसिड वीक बेस के मिक्सचर क्या होते हैं, सिंपल बफर, और वीक एसिड वीक बेस के मिक्सचर क्या होते हैं, सिंपल बफर, इसलिए ये भी बफर सॉल्यूशन लाइफ बिहेव करेगा। फोर्थ देख लें, ये तो वैसे दिख रहा है, वीक एसिड HCl और NaOH के साथ बना हुआ सॉल्ट है, इसलिए ये भी बफर होगा, आंसर सात करेक्ट, बिल्कुल 1, 2 और 3, 4 आर आंसर। आगे चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सत्य कथन आपको सेलेक्ट करना है, पढ़ते हैं, पहला, ए बफर सॉल्यूशन कंटेन्स ए वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल बफर बनेगा, जी सर, क्योंकि वीक एसिड है और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कौन होगा, सॉल्ट होगा, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वीक एसिड और इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट है, जी सर, इसका फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड देखें, ए बफर सॉल्यूशन शोज लिटिल चेंज, बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट कब, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या मिला है, एसिड और बेस, बिल्कुल सही बात है, अगर थोड़ी सी अमाउंट मिलाई जाए तो थोड़ा सा ही चेंज देखने मिलेगा, ना के बराबर, नगण्य चेंज आपको देखने मिलेगा, ठीक है, ये सही है। फिर कह रहा है द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन नॉट ऑल्टर्ड विद डाइल्यूट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, डाइल्यूट करेंगे तो पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बफर में। फोर्थ देखें, द एडिशन ऑफ सॉलिड पोटेशियम साइनेट यानी केसीएन, कह रहा है सर, पोटेशियम साइनेट केसीएन किस में मिला रहा है, वाटर में, क्या बनेगा सर, KOH प्लस HCl, बिल्कुल, तो KOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है सर, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो डोमिनेंट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ठीक है, और बेसिक होगा तो पीएच बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, ये भी सही है सर, जी सर, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, 1, 2, 3, 4 आंसर। हां, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ए 2.5 ग्राम सैंपल कंटेनिंग वीक मोनोबेसिक बेस मॉलिक्यूलर वेट रखा 45 इज डिसॉल्व इन 100 ml वाटर एंड टाइटेटेड विद 0.5 m HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन 1/5 ऑफ द बेस, 1/5 भाग बेस का उदासीन कर दिया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो पीएच कितनी पाई गई, 9, ठीक है, एंड इक्विवेलेंट पॉइंट, एट इक्विवेलेंट पॉइंट पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 4.5, तो इक्विवेलेंट पॉइंट पर तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 4.5 है, यानी कि जब एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, ऐसा अगर हो गया तो आपसे कह रहा है कि जो पीएच कितनी है, 4.5 है, ठीक है, और इनिशियली जो पीएच है वो कितनी है, 9 है, कब, जब 1/5 पार्ट डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, तो अगर इक्वेशन देखा जाए, वीक बेस जी सर, तो वीक बेस के लिए इक्वेशन बनाया जाए तो वीक बेस होगा BOH, ये HCl के साथ कंबाइंड होगा, HCl के साथ कंबाइंड होगा तो BCl सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा, इनिशियली इसका 1 मान लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन आपको जो दे रखी है वो 1/5 डिकम्पोज हो रहा है इसका, जी सर, ठीक है, तो इसको 1/5 मान लेते हैं, ये इनिशियली 0 होगा और ये भी 0 होगा, ये 1-1/5 डिकम्पोज हो जाएगा, ये 1/5-1/5 खत्म हो जाएगा और ये 1/5 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्ट बन जाएगा और ये 0 की इक्वल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 1/5, ऐसे केस में ये तो कौन बच गया, वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट, तो बेसिक बफर होगा तो क्या मिलेगी, पीओएच मिलेगी, तो पीओएच इक्वल टू द पीकेबी
प्लस लॉग 10 बेस, लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट कितना है 4/5 जी सर, अपॉन बेस कितना है 4/5। यहां से क्या करेंगे, पीए आपको पीएच दे रखा था कितना 9 जी सर, तो पीओएच आ जाएगी 5 आ जाएगी जी सर, 14 में माइनस कर लेंगे तो पीओएच की वैल्यू पुट कर दो यहां पे 5, पीके भी फाइंड कर लेंगे यहां से तो के भी मिल जाएगा एंटी लॉग करके जी सर, और इसको सॉल्व कर दें तो 1/4 रह जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो यहां से पीके भी का जो वैल्यू आएगा उससे एंटी लॉग करके क्या निकालेंगे केबी की भी निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे फाइनली अमाउंट ऑब्टेन करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस डब्ल्यू अपॉन ई इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 45/1 जी सर, यानी कि मोनो बेसिक है ना इसलिए एक OH- रिलीज कर रहा है, और इधर HCl की मोलरिटी आपको दे रखी है कितनी 0.5 और वही नॉर्मलिटी होगी जी सर, और इसका वॉल्यूम आप क्वेश्चन से निकाल लेंगे 100 ml ठीक है, तो यहां से मास ऑब्टेन कर लेंगे और जैसे ही मास आएगा तो परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो W upon 2.5 सैंपल का मास दे रखा है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से आपको परसेंटेज प्योरिटी ऑब्टेन हो जाएगी जी सर, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे जी सर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल हैव पीएच क्लोजेस्ट टू 1 ठीक है, यहां पर सर फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो कौन से मिश्रण की पीएच 1 के बराबर है पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की आपको कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है सर, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे दोनों की कंसंट्रेशन, बस यही चेक करना है आपको N1V1 डिफरेंस N2V2 is equal to N resultant into total volume V1 plus V2 कर देंगे, और यहां से resultant normality निकाल के ठीक है, और resultant normality का क्या करेंगे, ये resultant normality उस पर डिपेंड करेगी जो ज्यादा होगा जी सर, अगर बेस ज्यादा होगा तो resultant normality OH- concentration बराबर होगी, और अगर एसिड ज्यादा होगा तो resultant normality H+ any concentration के बराबर होगी, और यहां से इसका माइनस लॉग कर लेंगे H+ का तो यहां से आपको pH obtain हो जाएगा, इस तरह से आपको चार ऑप्शन को चेक करना है जी सर, ठीक है आगे चलें, इजी कॉन्सेप्ट है आप अच्छे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखें, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच 10 मिलीलीटर ऑफ 0.01 एम स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है इज एडेड टू 10 ml ऑफ 0.01 एम HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सिंग का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी मोलरिटी दे रही है, इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लें आप जी सर, ठीक है लेकिन 0.020 क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है, बिल्कुल तो नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा आपके पास 0.02 ठीक है, और वॉल्यूम 10 ml है जी सर, तो वॉल्यूम ऑफ बेस 10 ml, यहां से आप N1V1 डिफरेंस N2V2 ठीक है इज इक्वल टू द रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड कर लेंगे और V टोटल ऐड करके चेक कर लेंगे, N1 एसिड की कितनी है 0.01 और मोलरिटी नॉर्मलिटी सिमिलर रहेंगी, वॉल्यूम कितना है 10 ml, डिफरेंस N2 कितनी निकाली अपन ने 0.02, V2 कितना है 10 ml, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, टोटल वॉल्यूम 20 हो जाएगा जी सर, देखने वाली बात यह है कि यहां पर बेस ज्यादा है जी सर, और बेस ज्यादा है तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी OH- की कंसंट्रेशन के बराबर होगी जी सर, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- मिलेगा यहां से, ये कितना हो गया सर 0.2 जी सर, और ये कितना है 0.1 माइनस कर दो तो 0.1 यानी कि 10^-1 है जी सर, और 10^-1 अगर ये है अपॉन 20 तो OH- आयन की कंसंट्रेशन बच्चों कितनी हो जाएगी 10^-1 अपॉन 20, यहां से आप pOH निकाल सकते हो और 14 में से माइनस करके आप 20 से डिवाइड कर दो इसको जी सर, तो ये लिख ही देते हैं चलो सर, कितना हो गया ये 10^-1 ऊपर चला जाएगा तो 0.5 × 10^-2 हो गया जी सर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 × 10^-3 जी सर, और इसका एंड आप क्या करो माइनस लॉग कर दो जी सर, तो माइनस लॉग करेंगे तो pOH बन जाएगा जी सर, तो pOH की वैल्यू जो होगी 3 − log 5 जी सर, 3 − log 5 की वैल्यू कितनी सर 0.7 यानी कि 2.3, तो ये तो pOH आया सर 14 में से माइनस कर देंगे तो pH आ जाएगा, pH निकालना है तो क्या करें 14 − 2.3 तो 12.7 आंसर आ रहा है जी सर, 12.7 इसका आंसर आएगा 12.7 जी सर, नहीं 11.7 2 है वो जी सर, आंसर इज 11.7 ठीक, 36 बिल्कुल, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए वीक बेस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, बिल्कुल सही बात है, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेसिस ठीक है, फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेसिस, तो अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो सबसे पहले इनमें एच जोड़ के देखते जाए आप, यहां पर इसको अगर जोड़ेंगे तो एच ओ एच बन जाएगा
यानी कि वाटर बनेगा, इसमें एच जुड़ेंगे तो आर ओ एच बनेगा, इसमें एच जुड़ेंगे तो सी एस थ्री सी रोलो एच, और इसमें एच जुड़ेंगे तो एच सी एल बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वीकेस्ट बेस होगा, तो मिनिमम ही हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर ये वीक एसिड कंपेटिवली वाटर की और एसिडिक एसिड की कंपेटिवली करें तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा कैसा है, वीक बेस होगा, ठीक है। देन आफ्टर आर ओ एच और एच ओ एच मगर देखें तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एल्कोहल है ये, इसलिए ये आर ओ नेगेटिव कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ये वीकेस्ट एसिड है और वीकेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। और देन आफ्टर यहाँ पर ओ एच माइनस को आप इंक्लूड कर सकते हैं, इस तरह का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, जी सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, पीएच ऑफ टू सॉल्यूशंस, ठीक है। फर्स्ट में गिवन है आपको 50 ml ऑफ 0.2 MSCl और 50 ml ऑफ 0.2 MHA, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर वीक एसिड मिक्स किया है, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड मिक्स कर रहा है, तो आपको बस इतना से देखना है कि जो भी H+ यानी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, तो H+ यानी कंसंट्रेशन होगी वो कंसीडर किसकी की जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसीडर की जाएगी सर, बिल्कुल वीक एसिड की कंसंट्रेशन को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है, तो चेक कर लें इसको, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये NaA ये सॉल्ट है, ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट है, जी सर, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट है। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HA जिससे मिलकर बना हुआ है, जी सर, तो ये NaA बना हुआ है जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, बिल्कुल। तो यहां पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और ये सॉल्ट जो कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ सॉल्ट है, और आपसे दोनों मिलियनों की क्या पूछ रहा है, पीएच, पीएच पूछ रहा है, अलग अलग आपको पीएच निकालनी है, तो इनिशियली अगर इसकी पीएच देखें तो ये तो नेगलिजिबल हो गया, जी सर, इसकी कंसंट्रेशन को नेगलिजिबल मान लेंगे, तो कंसंट्रेशन जो कंसीडर होगा वो किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। तो यहां से जब H+ आयन की कंसंट्रेशन देखेंगे आप, तो H+ आयन जो होगा रिजल्टेंट वो डिपेंड करेगा, ये कंसंट्रेशन कितनी 0.2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना ले लेंगे 100 हो जाएगा, तो यहां से नेट जो कंसंट्रेशन होगी वो 2×10⁻³ आ जाएगी, जी सर, और यहां से H+ आयन का माइनस लॉग कर देंगे तो पीएच का वैल्यू हो जाएगा 3 − log 2, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू पुट करते हैं 0.3, तो यहां से 1.7 के इक्वल आपको पीएच का वैल्यू मिल जाएगा, 2.7, हां 2.7 के इक्वल आपको आंसर ऑप्टेन हो जाएगा, ठीक है जी सर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देख लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वो सॉल्ट है, दोनों को मिक्स कर रहा है, तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, बफर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था, वीक एसिड होना चाहिए था, वीक एसिड होता तब तो बफर सॉल्यूशन बफर बन जाता, परंतु ये बफर नहीं बन पाएगा। तो यहां पर आपको अगर पीएच देखनी है तो टोटल वॉल्यूम तो 100 हो जाएगा, जी सर, ठीक है। तो इसमें N1 V1 वाला कांसेप्ट आप लगा सकते हैं सर, जी सर, ये भी सॉल्ट भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग लाइक वेव करेगा, हां तो स्ट्रॉन्ग लाइक वेव करेगा, तो N1 V1 डिफरेंस N2 V2 इज इक्वल टू द रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इनटू V1 प्लस V2 लगा देना। और यहां से देखना ये है कि बेस सॉल्ट ज्यादा है तो बेसिक नेचर होगी और एसिड ज्यादा तो एसिडिक नेचर होगा, दोनों इक्वल है सर, हां, और अगर दोनों इक्वल है तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, जी सर। आप एक्चुअल में जो इक्वल आ रहा है कंसंट्रेशन उसको n रिजल्टेंट इनटू v टोटल के इक्वल लिख लेना, जी सर, n रिजल्टेंट v टोटल फाइनल जो कंसंट्रेशन आए उसके इक्वल पुट कर लेना यहां से, और यहां से जब कंसंट्रेशन आएगा वहां से टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास क्या जाएगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा, जी सर, जो कि H+ आयन या OH- से कंसंट्रेशन होगी, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरह से आपको उसको देखना पड़ेगा, जी सर, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.2 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 0.05 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि 0.05 यानी कि बहुत कम कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है कैसे नेगलिजिबल है, नेगलिजिबल कंसंट्रेशन NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस की मिला रहा है, तो बफर सॉल्यूशन पहले से मिला हुआ है, तो बफर की कंसंट्रेशन पर NaOH मिलाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ये एसिडिक बफर है सर, और एसिडिक बफर के लिए पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग बेस 10, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी 0.1 सॉल्ट की सल्फर पुट करते हैं शायद, हां सॉल्ट के लिए 0.2 अपॉन 0.1 और वॉल्यूम 1 लीटर है, जी सर, ठीक है। तो पीएच
आपको कैलकुलेट करना है पीके दे रखा है, तो पीएच इक्वल टू पीके कितना है 4.74 प्लस ये 2 log 2 की वैल्यू पुट करते डायरेक्ट पॉइंट कट जाएगा जी सर, तो ये कितना होगा 0.3 जी सर, इसको ऐड कर दो तो पीएच इक्वल टू 0.3 ऐड करोगे इसमें 5.04 आ जाएगा, 5.04 इज द आंसर ऑफ पीएच जी सर ऑफ एसिडिक बफर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, आयनिक इक्विलिब्रियम की अपने गुरुनीति फर्स्ट और ये गुरुनीति सेकंड थी, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप अच्छी सी रिवाइज करें और उसके फॉर्मूले बहुत है पीएच के, वो आप एक अलग से लिख ले और उनको बार बार रिवाइज करते रहे। आज का जो सारे क्वेश्चंस थे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट बहुत शानदार हैं, इनको आप एक बार वापस से सॉल्व करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आप देखें आगे चल के आपको एग्जाम में मेंस और एडवांस में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट गुरुनीति के साथ। स्टे होम स्टे हेल्दी, ठीक है।